पाकिस्तान के खिलाफ मैच है और क्या आपके पर्सनल क्या फीलिंग है, क्या प्लान बना लिया बाबर को रिजवान को आउट करने के या छोड़ रहे की फीलिंग? नहीं, फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी है और आपको पता भी है, आपने इंटरव्यू भी किया कि जितने ट्वीट चल रहे, मजाया ट्वीट चल रहे, और द वे जिस तरह अफगानिस्तान की टीम पहले दो मैचेस के लिए, फिर थर्ड मैच भी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, लेकिन यह है कि जिस टाइप का क्रिकेट का हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान की टीम, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि टफ टाइम दे सकते हैं आगे मैच में भी। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, बाबर रिजवान तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ही, और डेफिनेटली हमने प्लान किया हुआ है एज प्रोफेशनल, जिस तरह हमने बाकी टीम्स के लिए प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली आई होप कि बाबर और रिजवान के लिए भी हमने जो प्लान किए हैं वो हमारे प्लेयर उसको एग्जीक्यूट कर सकें। उमर भाई, हमने देखा कि जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान ने बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स उस तरह से बॉल नहीं कर सके, उसके लिए क्या प्लानिंग की है? क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर अभी आपने बताया, बाबर रिजवान है, फिर फखर है, क्या कैसी प्लानिंग की है फास्ट बॉलर्स पे खासी की? देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट मैच में ऑब्वियसली थोड़े से हम बॉलिंग आप कह सकते हैं कि अप टू द मार्क नहीं थे, लेकिन हमने इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं की। अगर आप देखें, अगर हम वो दो कैचेस कर लेते हैं तो मैं भी रिज़ल्ट चेंज हो सकता था और कुछ और रिज़ल्ट होता, लेकिन ऑब्वियसली एक हमारा जो मेन एक लड़का था, ऑलराउंडर है अजमत, काफ़ी टैलेंटेड है और पेस वाइज भी अच्छा स्किटी बॉलर है, उसके ना होने से भी बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि बीच में वो ओवर करता है, एंड के ओवर भी करता है, वो बीमार था, तो अभी आई होप कि कल के मैच के लिए वो रेडी हो जाए, क्योंकि उसका अभी फिटनेस टेस्ट हम चेक कर रहे हैं, कल भी उसने प्रैक्टिस की, आज भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टॉप प्लेयर्स है दोनों साइड पे भी। अगर आप बाबर को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, टॉप रैंक में है, रिजवान की जिस तरह की माशाल्लाह से परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा था, सब सारे प्लेयर्स को हमने प्लान किया, सारे प्लेयर्स के लिए प्लानिंग की हुई है, और आई होप कि जहाँ पे हमने थोड़े से मिस्टेक किए थे अफगानिस्तान की टीम ने लास्ट मैच में, तो आई होप कि उसको हम वो जो मिस्टेक्स किए थे उसको हम कट डाउन करें, और होपफुली कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अरे बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि शारजा में काफ़ी पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की भी और पाकिस्तान की भी, और जितना मुझे पता चला है कि सोल्ड आउट हो चुके, सारे टिकट बिक चुके हैं, तो हमेशा से काफ़ी जो पास में भी जितने मैचेस हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान के, काफ़ी लाइक प्रेशर वाले मैचेस होते हैं, और अगर आप फैंस वाइज से बात करें तो काफ़ी क्राउड आता है, और मेरे ख्याल से इस मैच के लिए भी काफ़ी लोग एक्साइटेड है, जिस तरह की अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारी है अफगानिस्तान टीम से भी, और ऑन द अदर साइड अगर आप देखें टॉप के प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान से भी, तो लोग ऑब्वियसली इन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, और आई होप कि अच्छा क्राउड होएगा और अच्छा मैच देखने को मिले। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने नवीन को चार छक्के लगा के वो मैच निकाल दिया था, अफगानिस्तान ने उस मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बाबर को राशिद ने आउट किया था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोबारा एक टूर्नामेंट के अंदर अफगानिस्तान का मैच आ गया, एक बायलैटरल सीरीज थी वो भी कैंसिल हुई है, तो प्लेयर्स उस मैच का रिवेंज उनके माइंड में है आपको प्लेयर्स में कि वो जो असाइनमेंट अधूरी रह गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, इतना अच्छा खेल के तो इस एशिया कप में उसको पूरा करने का आपकी टीम सोच रही है? और देखिए, मेरे ख्याल से वो करीम था, और ऑब्वियसली जो जो पास्ट में जो हो गया उस पर तो आपको कंट्रोल नहीं, वो तो हिस्ट्री हो गई, उसको तो अगर आप माइंड पे ले ले तो ऑब्वियसली आपसे नया मैच तो नहीं खेला जाएगा। हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि जो जो मैच हो गया उसको आप भूल जाए, जो अच्छी परफॉर्मेंसेज है आप ऑब्वियसली उसको रिमाइंड करते हैं, अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं मैच से एक रात पहले, तो बिल्कुल प्लेयर से यही लाइक एडवाइस यही होगी मेरे प्लेयर की दोनों साइड से, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हो या अफगानिस्तान के प्लेयर्स हो, मेरे ख्याल से नया मैच होगा, नया दिन होगा, तो फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि आप पिछले मैचेस पे फोकस करें, तो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि जो जो भी प्लेयर अपने मिस्टेक से सीखेगा तो ऑब्वियसली उसको कामयाबी मिलेगी, और कल का जो मैच है एक्सपेक्टेशन काफ़ी है,
ऑब्वियसली जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा वो खेल रही है, और जिस तरह अभी तक सो फार टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं, तो यू नेवर नो कि ऑन द डे अगर वो सारे प्लेयर डिलीवर कर सके तो रिजल्ट में भी कुछ भी हो सकते हैं। उमर, आप 8वें नवंबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल टी20 मैचेस में बॉलिंग करने आते थे और 19वें 20वें ओवर तक आप रहते थे, उससे पाकिस्तान में बहुत कामयाबी मिली है। तो आजकल जो मॉडर्न टी20 क्रिकेट हो रही है, आपको लगता है कि वो वाली क्वालिटी बॉलिंग में मौजूद है जो डेप्थ ओवर में आपका पास टास्क रहा है कई साल तक पाकिस्तान की तरफ? और देखिए, मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर प्लेयर को अपने रोल का पता होना चाहिए हर फॉर्मेट के लिहाज से। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे अपने रोल का पता था, हमने एक रोल बनाया था, मेरे टीम में क्या रोल है। हमारे उस टाइम पे ऐसे कोई बॉलर नहीं थे कि जो डेप्थ के ओवर कर सके या मिडल में, तो ऑब्वियसली हमने आप जितने भी हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको रोल दिया हुआ है। जहाँ तक आप बात कर रहे कि डेप्थ के ओवर, टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली हर टीम में एक आध प्लेयर आपका ऐसा होता है कि जो आपके लिए एंड के या जो तीन फेजेस होते हैं, फर्स्ट पावर प्ले, सेकंड और फिर एंड में, तो डेफिनेटली हर टीम इस पे काम करते हैं और हर टीम में उनका एक मेन स्ट्राइक बॉलर होता है। शागिर्द तो आप कह भी सकते हैं, और क्योंकि 2 साल उसके साथ रहा हूँ मैं क्वेटा ग्लेडिएटर में भी, और मेरे ख्याल से उनके जो लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस थी स्पेशली क्वेटा ग्लेडिएटर में, तो क्रेडिट जाता है क्वेटा ग्लेडिएटर को भी जिस तरह उसको सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल से उसका एक करियर का आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था कि जिस तरह उसने परफॉर्म किया PSL में, उसके बाद फिर उसको वाइट बॉल में भी उसका डेब्यू हो गया। तो मेरे ख्याल सो फार उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है फिज़िकली भी, और उसके जो क्रिकेट स्किल्स थे उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हुई है, और डेफिनेटली एक अच्छा बॉलर है पाकिस्तान के लिए एक एसेट है, और मेरी बेस्ट विशेज है नसीम शाह के साथ, और डे बाई डे वो इम्प्रूव कर रहा है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है मेरे ख्याल से। देखिए, पहले तो ऑब्वियसली आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया कि देखिए क्रिकेट ये गेम है, इसमें हार जीत इज पार्ट ऑफ गेम, ये होता रहता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं मैसेज दोनों साइड के फैन से, इसको खेल तक ही समझा जाए तो अच्छा है, ना कि बाहर जो फैंस है। पास में भी कुछ इंसिडेंट इस तरह हुए कि काफ़ी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आए हैं, फैंस का आपस में लड़ाई हुई है और मैच के बाद लड़ाई हुई है, तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक नेबर कंट्री है, मुस्लिम दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ है, और हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसको गेम तक ही रख के तो ज़्यादा बेहतर ही है, और आई होप कि इस दफ़ा वो इंसिडेंट पेश ना आए। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डेफिनेटली प्लान्स किए हुए हैं, उसको तो यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरह हमने पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए प्लान्स किए हुए, सेम इस तरह बॉलर्स के लिए भी किया हुआ है। एंड ऑफ द डे बींग अ प्रोफेशनल, हर टीम ये चाहती है कि जो भी आपका ओपोनेंट है उनके लिए डेफिनेटली प्लानिंग करते हैं। ऑब्वियसली देखिए, ना सिर्फ मैं उन प्लेयर को जानता हूँ बल्कि अपने एक्सपीरियंस भी काफ़ी सारे, काफ़ी लड़के वो हमारे जूनियर भी है, और प्लस फ़ायदा हो सकता है बिल्कुल। कुछ प्लान हमने किए हैं, कुछ लड़के हमारे इवन अगर आप अफगानिस्तान प्लेयर्स की बात करें तो काफ़ी लड़के काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में भी रहे, उनको पता है, ये इन प्लेयर्स को भी जानते भी है, और मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लड़के PSL में एक दूसरे के साथ खेल भी रहे, कोई अगेंस्ट खेल ले, कोई टीम में खेल ले, जिस तरह नबी वगैरह बाबर के साथ टीम में रहे या नजीब वगैरह हो गए, तो मेरे ख्याल से उन सबको पता है, एक दूसरे का पता है, क्योंकि PSL से और जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है तो कहीं ना कहीं पे तो ये सारे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मेरे ख्याल से आजकल हर प्लेयर का जो भी हो, सबको उनकी वीकनेसेस का और स्ट्रेंथ का पता होता है, लेकिन बात वही आती है कि आप अपने प्लान्स को किस तरह एग्जीक्यूट करते हो। रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शाहीन शाह
सरकार है उनकी कमी कोई इन जो बॉलर्स और पाकिस्तान टीम के बॉलर्स हैं इनमें से कोई बॉलर कमी पूरी नहीं कर सकता शाहीन की। शाहीन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ये बताइएगा कि इन बॉलर्स में जो पाकिस्तान टीम के जो भी बॉलर्स हैं उनमें कोई आपकी झलक नजर आती है आपको अपने आप की ये डेथ ओवर्स में जो है वो उमर गुल की कमी पूरी कर सकता है? देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है शाहीन का ऑब्वियसली कमी तो महसूस की पर लास्ट जितने भी दो तीन मैचेस हुए आपका एक एक्सपीरियंस लड़का होता है आपका एक स्ट्राइक बॉलर है और पिछले डेढ़ दो साल से वो परफॉर्म कर रहा है उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका जो एक्सपीरियंस है प्लस उसको जो APSL से जो एक्सपीरियंस मिला है लास्ट ईयर वो कैप्टन भी रहा है तो ऑब्वियसली उसको तो उस कमी को तो महसूस किया है। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के पेसर के पास पीछे भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स है जो कि ना सिर्फ वो क्विक है बल्कि उनको T20 का एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कमी तो होगी लेकिन यह कि सो फार मेरे ख्याल से बड़े अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के और बड़े अच्छे तरीके से नसीम शाह हो गया हारिस हो गया या शाहनवाज या इवन हसनैन जिस तरह के मैचेस खेल रहे तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ तक आप डेथ ओवर की बात करें तो मेरे ख्याल से ये सारे लड़के अभी यंग है एकदम से आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये किसी को रिप्लेस करे। ऑब्वियसली हर प्लेयर के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो दूसरे प्लेयर को अगर रिप्लेस करता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है लेकिन हाँ इनमें सब में पोटेंशियल है और अगर आप नसीम की बात करें या इवन शाहनवाज दानी की बात करें परफॉर्म किया है परफॉर्मेंस पे आए टीम में T20 में स्पेशली PSL के से हसनैन बड़ा ज़बरदस्त जिस तरह उसके एक्शन के बाद उसने कम बैक किया और जिस तरह की बॉलिंग की है तो पोटेंशियल है इन सब में कि ये अच्छे बॉलर हो सकते हैं। लास्ट थ्री उमर भाई गिवन द डोमिनेटिंग स्टार अफगानिस्तान हैज मेड सो फार इन द टूर्नामेंट हाउ टू फैंसी हर चांसेस अगेंस्ट टू टॉप कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड देन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाट हैज बीन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर अफगानिस्तान सो फार यू सी योर फैंसी हर चांसेस? Look, you can't write off any team. The way the Afghanistan players, like S team, right now they are playing S team. If you see their batting, they are taking responsibility. All the batsmen, Najib Zadrani, he is an experienced guy and he won one game for us. Ibrahim, the way he is batting and he is taking the responsibility to play once he gets set, his role is to play all the overs. So I think so far happy with the performances and on the other side if you see the first two games we won brilliantly and the third one I already mentioned if we grab the catches I think it would be another scenario. What was the second question? Given the start Afghanistan yeah. so far in the tournament, how do you fancy your chances in two big countries like Pakistan and then next? Yeah. Obviously, look. If you play on the day, if you play good cricket, the pool is so far is open. So there is chances. The way the players are playing the cricket. So I think the last two games is very important for us. And as I said earlier, that still the pool is open. You can't say who will be who will through for the final. So still we are hoping for the best. जमील इकबाल खैबर न्यूज़ जी सवाल पूछो ब्रेक क्वेश्चन ही हो जाए ओके बाजू वाला ट्वीट लगा ले जो पाकिस्तान के खिलाफ क्लास में गोल आ रखे और जो हम शारजा क्रिकेट स्टेडियम से कर दे मारा अफगानिस्तान होम ग्राउंड है मारे सुर एडवांटेज की दिश ये रही और ग्रेन स्टार्स टू कम रोल द पाकिस्तान टीम शांटेड से कम ना बॉलिंग कोच थे इन सब तासु क्यों फॉरेन कोचेस रहली मैं ये आप वाले क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ ट्वीट का बिल्कुल लकब ऑब्वियसली माई फैमिली था माई वाइफ था ज़ाहरा खबर आर सुखल फैमिली अकबल चिस्ताब रिलेटिव भी अगर सपोर्ट करी और पहले दो मैचों ने खुद मुँह चिकम करी हो अगेंस्ट श्रीलंका बांग्लादेश ऑब्वियसली वाइफ को मुँह सपोर्ट की है और आगे बस जस्ट लाइक पहला हो मुबारकबाद रख कर हो पाए कि एक मजा ही अंदाज में लगा ऑब्वियसली हर कस खड़ी चीज आगम मुल्क उगटी हो अंदर साइड आगम दमाखल आगे कन्फ्यूज है चिकम साइड जो उस दाओ कम सपोर्ट कम बाकी मजा ही ट्वीट और काफ़ी लगा वायरल शो पर खल को काफ़ी
سیزن لکه مزایه تور باندې ډیر ډیر ټویټ شو خو خیر اني وی څنګه مونږ ویل مونږ پروفیشنلی اوبویسلی پاکستان زموږ ملک خو ادر سایډ دا زموږ ریسپانسبیلټی دا د افغانستان ټیم سره ایسوسییټ یم اور ایتھیکلی بھی اور مورلی بھی بالکل زما پورا سپورٹ ہے افغانستان ٹیم سارا اور بینگ اے پروفیشنل منگ پل پورا پلاننگ کو ٹیم تکڑی پاکستان خلاف ہم کو سیکنڈ کویشچن بالکل افغانستان دل دے کے کافی ایکسپیرینس سے ہوتا شارجہ دبئی دل دے کے ڈی جا دی میچز کری دی کیمپز کری دی نوعی تک کنڈیشن ماخل افغانستان ٹیم ہم کنڈیشن سوٹ گئی ہے اور اس پورے چکم پرفارمنس سی صرف اور صرف داغی چکم دل دے کے ایکسپیرینس آئے وہ جانا اور لاسٹ کویشچن نمبر 3 جی ظاہر خبر ہے زموں کہو گورے کنا کرکٹ فل ٹائم جاب دین پر دیکھ ڈر کم علاقہ انداشن تے وچ اگے ایجوکیٹڈ وی اور دی خالا کا انگلش ویلی شیا فورنر کوچ سرا ائی کمیونیکیشن لیول اگے شانتی نی وی سیم ہم دا شانتی دماغ خلا افغانستان ٹیم نے دیسرم فورنر کوچ کار کرے دے او زما په خیال چې کله زور سره راغلی یم یو خدای پلیئرز ما سره ډېر زیات ما سره راځي ما سره خبره کوي ا کمیونیکیشن لیول چې کم دی هغه ډېر زیات کم شو نو ظاهره خبره چې یو لینگویج بیریر وي هغه ډېر زیات فرق ورزیږي پاسټ کې زموږ پلیئر سره دغه پرابلم وو ځین ټایم کې دا وی چې هیزیټیشن وي هغه له دومره اوپنلی نشي ورته سره خبره نشي کولی خو چې کله چې دا سیم لینگویج وي نو ظاهره خبره بیا یو سړی یو ښه فیل کوي ایزی فیل کوي نو سیم د افغانستان پلیئر دغه شان دي دیکھیے یہ جو ہے نا یہ پارٹ آف گیم ہے اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میری بالنگ پہ اگر کیچز ڈراپ ہوئے تو میں نے کبھی بھی مائنڈ نہیں کیا اس چیز کو ہاں مائنڈ تب کرتا تھا جب اگر میرے بال پہ کوئی فیلڈر ایفرٹ نہیں کرتا یا 100% اس پہ ایفرٹ نہیں کرتا روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے پھر فاسٹ بالر کو دکھ ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کیچز اچھے سے اچھے فیلڈر سے بھی ڈراپ ہو سکتے اور میرے خیال سے کوئی بھی بالر کسی بھی بالر کو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے کیچ کسی سے بھی ڈراپ ہو سکتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اسی پلیئر کو جا کے اس کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ جان بوجھ کے کوئی بھی کیچ ڈراپ نہیں کرتا تو بیسٹ یہی ہے پروفیشنلی بھی اور ایز ٹیم بھی یا آپ کا کولیگ ہے کہ اگر کسی سے کیچ ڈراپ ہوتا ہے تو آپ اس کو بتائیں اس کو بیک کریں کہ نیکسٹ اگلے بال کے لیے ریڈی ہو جائے کیونکہ یہ صرف ایک بال نہیں ہوتا ٹی ٹوینٹی میں 120 بال ہوتے ہیں اور اگر آپ 120 بال ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے پاس آ رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے فیلڈنگ میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے میرے خیال سے اوبویسلی ٹاپ کا پلیئر ہے اور اس کی پرفارمنس سے سارے وہ پاکستان کی ٹیم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو ایک اچھا فاؤنڈیشن ان کو اگر ملتا ہے پاکستان ٹیم کو تو مڈل آرڈر پہ اتنا پریشر نہیں ہوتا تو میرے خیال سے پہلے تو آئی وش کہ وہ پرفارم کرے کیونکہ جس طرح ہم چاہتے تھے کہ وراٹ کوہلی پرفارم کرے بابر اعظم کیونکہ یہ ایسے بیٹس مین ہیں کہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور ایز کرکٹ فین اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے بابر اور رضوان کو کھیلتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے تو آئی ہوپ کہ وہ بیٹ پیچ سے میرے خیال سے اتنا بھی نہیں ہے 2-3 میچز اس نے نہیں کیے آپ وراٹ کوہلی کی مثال لے لیں اتنے لانگ ٹائم سے وہ پرفارم نہیں کر رہا لیکن ٹیکنیکلی یہ دونوں ساؤنڈ صحیح ہے تو ان کے فارم میں واپس آنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آبویسلی کی فیکٹر ہے بابر اعظم پاکستان ٹیم کا مین پلیئر ہے وہ رنز نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی افغانستان کے لیے یہ فائدہ دے سکتا ہے تھینک یو